मैं कभी ना जाऊं तुम्हारे साथ भैया दोबारा एडवर्टाइजमेंट में। Guys, my name is Anuja and welcome back to my channel, welcome back to my new vlog. So, कैसे हैं आप लोग? Hopefully अच्छे होंगे. Same here, me too. माई शोना एंड माई शोना लाला जो कि अभी निन्नी निन्नी कर रहा है दूसरे रूम में. मैंने दूसरे रूम में उसे इसलिए सुना दिया क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था एंड अगर मैं व्लॉग बनाने लगती तो वो उठ जाती, जग जाती. सो मैंने उसे दूसरे रूम में आज सुला रखा है एंड मैं अपने रूम में हूँ. सो फिलहाल के लिए अभी चल रहे हैं नवरात्रि. विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइज. एंड आपने मेरे नवरात्रि वाले व्लॉग को भी बहुत ज़्यादा लाइक करा एंड मेरी बहुत सारी प्रशंसा करी मेरे वो ब्लू वाले सूट में. हालांकि जो ब्लू वाला सूट है वो मैंने आपको उस व्लॉग में नहीं बताया गया, मेरी शोना ने मुझे पहला मतलब सूट गिफ्ट करा था. उससे पहले गिफ्ट तो काफ़ी कर चुके थे बट वो पहला मेरा सूट था जो मुझे शोना ने गिफ्ट करा था. सो नवरात्रि चल रहे हैं एंड मैंने भी पहला ही व्रत रखा था. सो उसके बाद मैंने व्रत जो है लास्ट वाला रखना है. मैंने ज़्यादा व्रत नहीं रखे क्योंकि आपको भी घर की अभी थोड़ी बहुत पता है कि मम्मी की तबीयत खराब चल रही है. हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझसे मम्मी के बारे में पूछा एंड इंस्टा पे पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा, इवन गुड विशेस भी दी अपनी कमेंट के थ्रू. सो वो चीज़ ना करते हुए मैंने सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट व्रत जो रखने की सोची है. तो इसी तरीके से जो है मेरा एक दिन पहला दिन नवरात्रि का गया एंड अब नौ के नौ कंप्लीट होने के बाद कंजक जिमाई होगी जो कि मैं तो मेरे शोना लाला को हर नवरात्रि में हर दिन जिमाती हूँ. पहले दिन भी मैंने, दूसरे दिन भी, मतलब मैं जिमाती हूँ पूरे नौ के नौ दिन. उसको टीका लगाऊंगी, उसको दक्षिणा दूंगी, उसको प्रसाद दूंगी, सब कुछ करती हूँ. जब साक्षात कन्या हमारे घर पर विराजमान है तो नौ दिन का पूरा वेट करने की क्या जरूरत है. तो मैं एक एक दिन में उसे रोज़ जिमाती हूँ एंड आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा वेट. And look who is here! Stand up, Shiva! Come! Bolta, how are you? How are you? See, ask. How are you? मेरा गबलू है. ओके गाइस, सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है एंड इंफॉर्मेटिव के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. क्योंकि ये व्लॉग बनाने की मैंने इसलिए सोची क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं एंड कहीं लोग ऐसे हैं या हमारे बच्चे ऐसे हैं या हम ऐसे हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ होती है. उनके पास शेल्टर होता है, उनके पास कपड़े होते हैं, खाना खाने के लिए होता है, उनके पास कपड़े होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, यस मामा, जी, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता है. बट मेरा ये मानना है कि अगर आप लाइफ में कैपेबल हैं, अगर आप कैपेबल में नहीं हैं और आप लोगों के पास वो चीज़ है जो आप दे सकते हैं जिसकी आपको नीड नहीं है, तो मुझे वो कहीं ना कहीं पे लगता है कि हमें वो चीज़ अपने शेयर करनी चाहिए. मैं आज बात कर रही हूँ कपड़ों की क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं. तो कुछ कपड़े ऐसे मेरे पास हैं, लाइक कन्नू के अभी मैंने ढेर लगा के पूरा रख रखा है एंड वो मेरे कन्नू के कपड़े हैं. ये वो पीछे वाले शोना के कपड़े हैं एंड इधर वाले जो है वो मेरे कपड़े हैं. सो मैंने सोच रखा है कि कन्नू के भी कुछ कपड़े जो ऐसे हैं जो मैंने खरीदे हैं विशाल मेगा मार्ट से और जो मुझे लगता है कि उसके नीड में नहीं है या आगे चल के अगर हम लोग सेकंड की बेबी के बारे में भी सोचते हैं तो उसको ना पहनाने के बजाय मैं किसी और को देना बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उस कपड़े की ज़्यादा नीड अभी किसी और को है आने वाले से ज़्यादा. यश मामा, ये जैकेट भी देंगे हम. सो मेरे कपड़े भी कुछ ऐसे हैं, जैकेट्स वगैरह हैं, स्वेटर्स वगैरह हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ. कन्नू के टाइम पर मैंने बहुत फ्री कपड़े लिए थे जो मैं नहीं पहनती हूँ, लाइक स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह. तो मैं वो देना पसंद करूँगी उसके बजाय उसको सिलवाई करवा के, उसको टाइट करवाने, फिटिंग करवाने के बजाय. तो आप लोगों से भी मेरी ये बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास अगर कोई ऐसी चीज़ एंड लाइक दान कर सकें तो वो ज़रूर कीजिएगा. मैं ये कपड़े शायद मे भी या तो खुद दूंगी या तो मेरे एक नोन में जो है विपिन है जिनका नाम, उनका एक अपना NGO है. सो वो भी कुछ इसी तरीके का काम करते हैं एंड अगर आप लोगों के पास है तो आप दीजिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं आपको विपिन का, उनके NGO का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी या आपको उनके बारे में बताऊंगी. आप उनके थ्रू वो दान कर सकते हैं अगर आप नहीं देना जाना चाहें, ना दे पाएँ जैसे मैं अभी हूँ. तो मे भी शायद से मैं ये जब देने जाऊंगी तो मैं उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे वो चीज़ दिखानी नहीं है. मुझे ये जस्ट इसलिए बताना था क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए
एंड आप लोग भी मे बी इस चीज़ करेंगे, एंड जो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो मैं इस व्लॉग को अभी यहीं से कंटिन्यू रखने वाली हूँ. एंड आज कल में परसों नरसों में एक पैम्पलेट आया था न्यूज़पेपर में, जो उस पर ये था कि विंट्री कुछ सेक्शन लगा हुआ है किसी रेजिडेंसी में, एंड जब हम शाम को वॉक के लिए जाएंगे, इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे, तो मे बी शायद से वहाँ निकल लेंगे. तो वो कुछ विंट्री कपड़ों का स्टॉक बता रखा था जो कि अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो हम एक नज़र वहाँ भी डालने के लिए जाएंगे. एंड फ़िलहाल के लिए अभी पहले कनू को मैं जो हूँ उठ चुकी है मेरा सोना लाला, तो अभी बज रहा है 4 एंड इसको रेडी करते हैं, इसको खिलाते पिलाते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं. सो व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एंड इस मेरे इंफॉर्मेटिव इस हेल्पफुल व्लॉग को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा. एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कॉमेंट मुझे बहुत सारी हिम्मत देता है. सो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, लेट्स गो. सो हम लोग निकल चुके हैं इवनिंग वॉक के लिए, एंड इवनिंग वॉक के लिए हम लोगों ने डिसाइड करा, जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे एक पैम्पलेट याद आया. कहा मम्मा, काशी हाय तो कह दो, हाय तो कह दो, हाय कह दो प्लीज, हाय हाय. सो थोड़ी देर पहले मैंने एक पैम्पलेट देखा जो कि अखबार में हम लोगों को मिला था कि हमारे ही नियर बाय एक निरंजनपुर में कोई रेजिडेंसी है, होटल है. सो वहाँ पे जो है एक बोलते ना सेल टाइप की लगी हुई है गारमेंट्स वगैरह में, लाइक विंट्री गारमेंट्स है मेरे ख्याल से, समरी भी होगा बट विंट्री गारमेंट्स होगा, तो मैं वही चीज़ देखने के लिए जा रही हूँ. तो पैम्पलेट आया था एंड आज लास्ट डेट है उसकी. मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस होगा अगर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही होगी और मैं नहीं बता पाऊँगी, वो गलत टाइम पे हो रहा होगा, तो क्या करें. क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी 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 बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया. आप लोगों को पता है रीज़न, क्योंकि घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. तो चलिए चलते हैं एंड दिखाती हूँ कि लेट्स सी क्या क्या रखा है काम की चीज़ कुछ. हाँ काओ काओ, कौन है काओ काओ, कैसे कहती है सुना भूभूनी, काओ कैसे कहती है माँ सुना, काओ काओ मेरी मामा काओ. सो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं लेट्स सी कि क्या क्या वहाँ है. सो उसमें पैम्पलेट में ये लिख रखा था कि मतलब ये कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से जो बिजनेस की वो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, तो उसकी वजह से बम्पर ऑफर दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है. सो चलिए भैया चल के भी देख लेते हैं, एंड इसी तरीके से अगर कभी कोई होता है तो मैं जल्द ही जाऊँगी और आप लोगों को इसकी जानकारी दूँगी. पहले देख लेते हैं वहाँ कैसा है, चलिए लेट्स गो. वापस अपनी सो कॉल सेल मार्केट से जहाँ सेल लगी हुई थी इस बार चूचू. तो सीरियसली मतलब एक टाइम से पागल बनाना जैसे बोलते ना, वो था बिल्कुल जैसे संडे मार्केट में ठेलियों, मतलब वो चट उस पर किस पे चरपाई जो होती है, चरपाई पे लगाए हुए नहीं होते कपड़े वैसे, तो और इतने गंदे कपड़े सीरियसली जो संडे मार्केट में 100-100 रुपए के मिले. सुनाने से पहले मुझे इतना कुछ सुना दिया ना, कसम से इतना कुछ सुना दिया. हालांकि ये वाला गंदा था, और भी जगह रेजिडेंसीज वगैरह में जब ऐसे सेल लगते हैं तो ठीक ठाक लगती है, बट ये तो भैया अति रद्दी कपड़े थे, अति रद्दी कपड़े. एक टी शर्ट में लिख रखा था 699 ऐसे हो, 699 की टी शर्ट, और वो टी शर्ट ना लिटरली 100 रुपए वाली भी नहीं थी, 100 रुपए वाली भी नहीं, और इतने गंदे कपड़े से ऐसे लग रहे थे जैसे मैले मैले से कपड़े नहीं होते जो संडे मार्केट में लगते हैं मुश्किल से. तो मैं तो धोखा इसलिए खाई, मैंने बोला यार न्यूज़पेपर में उसने पैम्पलेट दे रखा है अलग से एंड एडवर्टाइजमेंट दे रखा है 4 दिन का है रेजिडेंसी में, तो मैंने क्या पता अच्छा होगा. सीरियसली अंदर जाके इतना पागल कटाना, इतना गंदा वाला कटाना. आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे क्या कहते हैं, दिखा दे अपने YouTube वालों को, 280 घटके के तरफ 50 ना हो गए ना सुबह सुबह में, तो मेरा नाम बदल दियो. सीरियसली बहुत ज्यादा गंदा था, बहुत ज्यादा गंदा था, और एक्सेप्ट मैंने करा था शर्ट से, सीधा था अच्छा होगा यार, मिल जाते कभी कभी ऐसे मिल जाते मतलब सेल्स में वगैरह, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है विंटर्स की, तो विंटर में कहीं कहीं मिल जाते हैं, कहीं कहीं नहीं मिल पाते हैं, तो इसे कहते हैं पागल बनना, इसे बोलते हैं पागल बनाना. सीरियसली इतना गंदा था ना, मैंने अंदर इसलिए क्लिप नहीं दिखाई, इसलिए मैं सीढ़ियों तक ही मैंने कट कर दिया, भैया कट कर दो, क्योंकि जब मैंने बाहर से देखा ना उन्होंने चरपाई पे मतलब तीन तीन करके ऐसे लगा के, तो उन्होंने एक हॉल में और उस पर रख रखे थे कपड़े जैसे संडे मार्केट में रखते हैं. मेरा तो बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस था. सुना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मां कभी ना जाऊं तुम्हारे साथ भैया, दोबारा एडवर्टाइजमेंट
इतना पछता रहा है, पता नहीं दूसरी बार अगर आता है तो जाते कि नहीं जाते। जाऊंगी, देखना बनता है हमारा। हालांकि दिखाना मैं कुछ और चाहती थी और कुछ और हो गया, इसलिए बहुत गंदा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिखाया वहाँ के बारे में, क्योंकि इतना ज़्यादा लो क्वालिटी। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये लग चूचू सी हाई टी एवरीवन। चलो टाटा कह दो सबको, टाटा कह दो, आई लव यू बोल दो, आई लव यू। ओके गाइस, सो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरे ये ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए गाइस, यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज देहरादून ब्लॉगर अनुजा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टाटा टाटा टाटा, बाय बाय।